मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल हर बार नए साल की शुरुआत मजदूरों के साथ किया करते थे। इस बार भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल गांधी मैदान स्थित पुराने कांग्रेस भवन के पास मजदूरों के बीच नए साल की शुरुआत करने पहुंचे। उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया और नववर्ष की प्रदेशवासियों को बधाइयां दी। राम मंदिर में शेर की राजनीति पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर बना है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि न्यायालय का जो आदेश है इससे ना एक इंच आगे ना पीछे होगा, वैसे ही लागू किया जाएगा। न्यायालय के आदेश से ही राम मंदिर बन रहा है, जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से ही हमारा स्टैंड रहा है कि न्यायालय का आदेश हम मानेंगे। आज ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, हवाई अड्डा बने कौन रोक रहा है, लेकिन बेच क्यों रहे हो? साल भी कंबल वितरण किया है। नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को हर साल चौड़ी माता और श्रमिकों के साथ उनको मिल मीठा करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। और जो श्रमिक हैं, जो देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसे जो मेहनत कर लोग हैं उनके साथ मिलकर उनको मिल मीठा करके दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत हमेशा करते हैं। इस साल ही मैं आया हूँ और लोगों के साथ नए साल की शुरुआत। क्या संकल्प रहेगा नए साल में? लोकसभा के चुनाव भी है। नए साल के संकल्प यही है कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई तकलीफ न हो और उत्तरोत्तर प्रगति करे छत्तीसगढ़। यही हमारा संकल्प है। 2024 का जो चुनाव है वो भी नजदीक है, उसके पहले 14 जनवरी से राहुल जी यात्रा शुरू कर रहे हैं, न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसमें हम लोग शामिल होंगे छत्तीसगढ़ से भी। क्योंकि राम मंदिर का अपूर्व सवाल नहीं उठता, राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। आप पुराना आप वीडियो निकाल के देख लें जिसमें राजीव जी जो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा कि जो न्यायालय का जो आदेश है उसे 1 इंच न आगे न पीछे होगा, उसको सत्यता लागू किया जाएगा, ये उस समय उन्होंने कहा था। और आज हुआ यही, ये लोग भले चीखते चिल्लाते रहे लेकिन न्यायालय के ही आदेश से बन रहा है, ये जबरदस्ती श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग शुरू से हमारा स्टैंड रहा कि न्यायालय का जो आदेश होगा उसको हम लोग मानेंगे, तो आज इस प्रकार से ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये गलत बात है। और दूसरी बात है हवाई जहाज हवाई अड्डा बने कौन रोक रहा है, लेकिन बेच क्यों रहे हो? इधर हवाई अड्डा बन रहा है, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बेच भी रहे हो, तो ये तो देश को बेचने में लगे हैं। धामी जी इस बारे में बोलेंगे तो वो जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है वो कब तक के बचा रहेगा बिकने से, बताएंगे? ये संगठन को लेकर बीजेपी जो मोदी गारंटी है उसमें अब बीजेपी संगठन को भी ला रही है मोदी गारंटी पूरा करने के लिए। सरकार का काम है उसे पूरा करना, हम लोग को देख रहे हैं भाई। अभी अभी तो विभाग बता है, वो मंत्रियों को बैठने मतलब रहने के लिए भी जगह मतलब उनको ध्यान नहीं दिया गया, बनने दीजिए, बैठने दीजिए, व्यवस्थित होने दीजिए, काम करने दीजिए। अभी केवल हम लोग होर्डिंग में देख रहे हैं भाई, ये योजना है उसको होर्डिंग में देख रहे हैं, धरातल में आने दीजिए, काम करने का मौका दीजिए ना, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे। सर मोर्चाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है कि राम मंदिर का जो है निर्माण उसे कल तक पहुँचाना है, लोकसभा चुनाव में। चलिए ठीक है।